To all of you, my dear student, pay attention to what I will teach today. Today, I will teach class 10th bio lesson number first life process. In this lesson, we study the topic nutrition. What is nutrition? First of all, we express you, your view. ऑन द टॉपिक न्यूट्रिशन वॉट इज न्यूट्रिशन एज विल एज वी विल नो दैट जैसे कि पहले हम आप लोगों को बता चुके हैं कि न्यूट्रिशन क्या है तो न्यूट्रिशन एक ग्रुप ऑफ प्रोसेस है जिसमें कि आर्गेनिज़म क्या करता है फूड टेक करता है डाइजेस्ट करता है एब्जॉर्व करता है और उस एब्जॉर्व फूड को अपने साइटोप्लाजमे मिंगल कर देता है जिससे कि साइटोप्लाज्म का स्ट्रेंथ इंकीज होता है और दिस मिंगल मटेरियल प्रोटीन फैट्स मिनरल्स विटामिन्स यूज इन द एनर्जी रिक्वायरमेंट बॉडी डेवलपमेंट एंड अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शन तो न्यूट्रिशन में अब हम डिटेल्स में न्यूट्रिशन का स्टडी करेंगे तो देखते हैं कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट मीन्स फूड मटेरियल जो भी हम ऑर्गेनिक फूड मटेरियल टेक करते हैं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के फार्म में कार्बोहाइड्रेट के फार्म में फैट्स के फॉर्म में दैट इज न्यूट्रिएंट्स तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप न्यूट्रिएंट मीन्स फूड मटेरियल एंड दिन इज देम टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ़ द बॉडी और इस टेकिंग फूड मटीरियल ऑर्गेनिक फूड मटीरियल को अपने बाडी में यूटिलाइज करते हैं यूटिलाइजिंग देम टू फिलफिल फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ़ द बॉडी बाडी की क्या रिक्वायरमेंट है क्या बॉडी की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है या बाडी का डेवलपमेंट के लिए रिक्वायरमेंट है या बाडी का जो है कि प्रोटेक्शन के लिए रिक्वायरमेंट है क्या रिक्वायरमेंट है इसी रिक्वायरमेंट में इस टेक फूड को ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को जो टेक किए हैं उसका यूटिलाइजेशन करते हैं दिस प्रोसेस इज नून एज न्यूट्रिशन। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते है? हैं न्यूट्रिशन कहते हैं न्यूट्रिएंट आर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि पहले आप लोग बता चुके हैं ये हमारे जो न्यूट्रिएंट लेते हैं ये आर्गेनिक भी हो सकते हैं एंड इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं तो न्यूट्रिएंट्स आर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस नीडेड फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस एंड सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं वे ऑर्गेनिक फूड मटेरियल भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं दोनों में से कोई भी हो सकता है जिसका हम जिसकी रिक्वायरमेंट नीड होती है वेरियस लाइफ प्रोसेस ऑर्गेनिज्म के लाइफ में जो भी प्रोसेस होती है उसको सर्वाइवल के लिए इस न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है ठीक है ना तो न्यूट्रिएंट समझ ही रहे हैं आप लोग और आर्गेनिक भी हो सकता है इनऑर्गेनिक भी हो सकता है न्यूट्रिएंट आर मेनली ऑफ थ्री टाइप्स हम न्यूट्रिएंट को उसके यूटिलाइजेशन के बेस पर थ्री पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं जो न्यूट्रिएंट है जिसको न्यूट्रिएंट को हम टेक करते हैं वो यूटिलाइजेशन के बेस पर थ्री पार्ट में हम डिवाइड करते हैं फर्स्ट पार्ट है जो न्यूट्रिएंट का उसको हम ग्रुप करते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स फर्स्ट न्यूट्रीन क्या है तो है हाँ ऐसा न्यूट्रिएंट जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है तो फर्स्ट क्या हो गया है? एनर्जी गिविंग फूड्स कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स तो ऐसा न्यूट्रिएंट जो कि टेक करने से ठीक ना लाइफ प्रोसेस में लाइफ प्रोसेस के लिए एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है उसका कवर होता है और एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट में फूड मटीरियल्स में क्या होता है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स ये एनर्जी प्रोवाइड करने वाले फूड मटीरियल है न्यूट्रिएंट है कौन भाई तो कार्बोहाइड्रेट ओके okay? तो कार्बोहाइड्रेट है जो हमारा न्यूट्रिएंट है और फैट्स ये हमें ये न्यूट्रिएंट्स ये ऑर्गेनिक फूड मटीरियल एनर्जी गिविंग क्या करते हैं भाई हमें तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये न्यूट्रिएंट का ग्रुप है इसमें फर्स्ट न्यूट्रिएंट क्या है हमारा एनर्जी गिविंग फूड्स ठीक ऐसा जो है कि न्यूट्रिएंट फूड मटेरियल जो कि लाइफ प्रोसेस के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है वो है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स सेकेंड है बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट और फूड मटेरियल क्या सेकंड बॉडी बिल्डिंग फूड्स और न्यूट्रिंट इसमें कौन आता है भाई जो कि बॉडी को बिल्ड करता है बॉडी का जो है कि जो भी मेंटेनेंस और बिल्डिंग का फंक्शन है उसके द्वारा होता है तो बॉडी बिल्डिंग जो है कि इसमें कौन आता है न्यूट्रिएंट में तो प्रोटीन मिनरल्स तो बॉडी बिल्डिंग में आपके प्रोटीन और मिनरल्स आते हैं ओके जस्ट लाइक अब थर्ड है प्रोटेक्टिव फूड कुछ ऐसे फूड मटेरियल है जो कि बॉडी को प्रोटेक्ट भी करते हैं इसी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो है कि अटैक हो चाहे किसी तरह की बॉडी को जो है कि प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है तो वो है आपका विटामिन्स सम मिनरल्स ठीक है ना तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो न्यूट्रिएंट है हम मेनली इसको थ्री टाइप में डिवाइड करते हैं कौन कौन भाई तो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट और फूड मटेरियल जो कि हमारे बॉडी को या आर्गनिजम को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स सेकेंड है बॉडी बिल्डिंग फूड्स जो कि ऐसा न्यूट्रिएंट फूड मटेरियल जो कि बॉडी को बिल्ड करता है बोन्स का स्किन्स का मतलब आर्गनिज्म की जो भी बॉडी का कंस्ट्रक्शन है उसमें जो है कि पार्टिसिपेट करता है वो न्यूट्रिएंट है प्रोटीन एंड मिनरल्स और थर्ड है प्रोटेक्टिव फूड्स प्रोटेक्टिव में प्रोटेक्शन के लिए इम्यूनिटी के लिए जो कि अरग्रेजों को विटामिन एंड सम मिनरल्स तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भी न्यूट्रिएंट है उसको थ्री कैटेगरी में क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स बॉडी बिल्डिंग फूड्स एंड प्रोटेक्टिव फूड्स अब हम आगे अपने है कि कंसेप्ट बढ़ते हैं कर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो भी हम न्यूट्रिएंट टेक करते हैं फूड मटीरियल तो वो कितने टाइप से ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिएंट को टेक करता है उसके बेस पर टेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट के बेस पर हम क्लासीफाइट करते हैं तो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में स्टडी करेंगे डिपेंडिंग ऑन द वे ऑफ अपटेन फूड न्यूट्रिशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स मतलब कि न्यूट्रिशन को अपटेन करने के लिए कौन कौन से वे है तो हम ये देखते हैं कि ऑर्गनिजम टू टाइप के मेथड का यूज करते हैं आर्टोटापिक न्यूट्रीशन एंड हेट्रोट्रापिक न्यूट्रिशन तो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में हम क्या स्टडी करेंगे भाई तो क्या है तो न्यूट्रिएंट को टेक करने के मैनर तरीके कि की ऑर्गेनिज्म किन किन विधियों से न्यूट्रिशन करता है न्यूट्रिएंट को ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को किन किन मेथड से गेन करता है तो उस मेथड को हम बोलते हैं टाइप ऑफ न्यूट्रिशन तो फर्स्ट है ऑर्ट्रोट्राफिक न्यूट्रिशन और सेकंड है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तो ऑर्गेनिजम टू टाइप का न्यूट्रिशन करता है कौन कौन से भाई तो ऑर्ट्रोट्राफिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ठीक है कौन कौन आट्रोट्रापिक तो देखते हैं कि आट्रोट्रापिक न्यूट्रिशन क्या है फिश टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज ऑटो न्यूट्रिशन द मूड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिजम प्रिपेयर्स इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल रॉ मटेरियल इज कॉल्ड ऑटो न्यूट्रिशन ऑटो मीन्स सेल्फ ट्रॉ मीन्स न्यूट्रिशन मीन्स ऑटो न्यूट्रिशन क्या है भाई तो हम गौर करते हैं कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिन टेक करने का ऐसा मोड इन बीच जिसमें ऑर्गेनिजम अपने जो फूड मटेरियल है उसको खुद जो है कि प्रिपेयर करता है प्रिपेयर इट्स ओन फूड फ्राम तो अपने फूड का प्रिपरेशन ऑर्गेनिज्म खुद करता है चाहे प्लांट बॉडी हो एनिमल बॉडी हो वो जो आर्गेनिक फूड मटेरियल टेक करता है वो खुद उस आर्गेनिक फूड मटेरियल को अपने आप जो है कि प्रिपेयर करता है तो उसके लिए जो है कि रा मटेरियल लेता है और उस रा मटेरियल से अपने आर्गेनिक फूड मटेरियल का प्रिपरेशन स्वयं करता, करता है इट सेल्व करता है इज कॉल्ड ऑटोट्राफिक न्यूट्रिशन वो किसी अदर सोर्स पर न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड नहीं होता है वह अपना न्यूट्रिशन अपना ऑर्गेनिक फूड मटेरियल इट सेल्फ रॉ मटेरियल से प्रिपेयर करता है ठीक ना क्या करता है खुद जो है कि रॉ मटेरियल से अपने ऑर्गेनिक फूड मटेरियल न्यूट्रिएंट का वो क्या करता है प्रिपरेशन करता है फॉर्मेशन करता है सिंथेसाइज करता है दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज मून एज ऑटोट्राफिक न्यूट्रिशन क्या भाई द मूड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्री टेक करने का ऐसा मूड इन विच जिसमें एन ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म प्लांट बॉडी एनिमल बॉडी प्रिपेयर्स इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल अपने फूड का प्रिपरेशन खुद करता है ओन फ्रॉम सिंपल रॉ मटेरियल सिंपल रॉ मटेरियल से अपने न्यूट्रिंट का फॉर्मेशन ऑर्गेनिज्म खुद करता है इज कॉल्ड ऑटोटैफिक न्यूट्रिशन तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जिसमें कि ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिएंट ऑर्गेनिक फूड मटेरियल का प्रिपरेशन रॉ मटेरियल से खुद करता है अपने आप किसी पर डिपेंड नहीं होता है ऐसे न्यूट्रिशन को बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ठीक है ना अब आगे हम लोग देखते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में और क्या क्या हमारा जो है कि पॉइंट्स है तो कह रहा है कि ट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कैरिड आउट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटो सिंथेसिस अब ऑर्गेनिजम जो अपना न्यूट्रिएंट इट्स सेल्फ प्रिपेयर करता है तो मतलब कि ट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होती है वो एक प्रोसेस के थ्रू होती है जिस प्रोसेस के थ्रू आर्गेनिज्म अपने आर्गेनिक फूड मटेरियल को सिंथेसाइज करता है उसको बोलते हैं फोटो सिंथेसिस ठीक है ना आर्टोप्राटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आर्गेनिज्म अपने आर्गेनिक फूड मटेरियल का जो सिंथेसिस करता है फॉर्मेशन करता है जो बनाता है अपना आर्गेनिक फूड मटेरियल न्यूट्रिएंट वो किस प्रोसेस से भी वो फॉर्म करता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटो सिंथेसिस ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा ऑर्गेनिजम अपना न्यूट्रिएंट ऑर्गेनिक फूड मटेरियल प्रिपेयर करता है उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटो सिंथेसिस इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिजम सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड मटेरियल रहा है कि इस तरह के न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म सिंथेसिस ऑर्गेनिक फूड मटेरियल ऑर्गेनिक फूड मटेरियल सिंथेसिस करता है फ्राम इनऑर्गेनिक सोर्स कैसे ऑर्गेनिक फूड मटेरियल का फॉर्मेशन करेगा लेकिन उसमें जो सोर्स होगा जिससे वो बनाएगा वो क्या होता है इनऑर्गेनिक सोर्स सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर तो ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस से जो अपना न्यूट्रिएंट रिपेयर करता है ऑर्गेनिक फूड मटेरियल आर्गेनिक वो इनऑर्गेनिक सोर्स तो इन आर्गेनिक सोर्स में कौन सा भाई तो इन आर्गेनिक सब्सटेंस में आता है कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करता है एंड वाटर और वाटर का यूज करता है तो इस ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है कौन कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक नहीं है इनऑर्गेनिक है और वाटर भी क्या है इनऑर्गेनिक है इन दोनों रॉ मटीरियल इनऑर्गेनिक रा मटेरियल इन का यूज करता है और ऑर्गेनिक फूड मटीरियल का फॉर्मेशन करता है किस प्रोसेस तो तो के द्वारा तो फोटोसिंथेसिस तो फोटोसिंथेसिस में क्या किया जाता है की आर्गे, ऑर्गेनिक फूड मटीरियल का प्रिपरेशन होता है बट किसकी हेल्प से तो इनऑर्गेनिक सोर्स क्या चीज़ है भैया हमारा इनऑर्गेनिक तो कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक है वाटर इनऑर्गेनिक है इसका यूज करके जो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होगा ग्लूकोज का वो ऑर्गेनिक होता है लेकिन वो बनता किससे है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से ठीक है ना और नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंट द आर्गेनिज्म दैट एक्सिबिट्स ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को करता है इस प्रोसेस का यूज करता है आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स आर प्रोड्यूसर तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम ऑटोट्रॉप आर प्रोड्यूसर कहते हैं द ऑर्गेनिज्म दैट इ्सिबिट ऑटोट्रापिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स आर प्रोड्यूसर मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म जो ऑटो न्यूट्रिशन इस माइनर का प्रयोग करता है मतलब फूड का प्रिपरेशन इन ऑर्गेनिक सोर्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज करके ऑर्गेनिक फूड मटेरियल का करता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू दैट ऑर्गेनिज्म इज नोन एज ऑटोट्रॉप्स आर प्रोड्यूसर उसको हम ऑटोट्रॉप या प्रोड्यूसर कहते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस ब्रश करता है और इसमें कौन आता है भाई तो हमारे ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वे ऑटोट्रॉप्स हैं क्यों ऑटोट्राप्स हैं क्योंकि वे अपना फूड मटेरियल खुद प्रिपेयर करते हैं किसके थ्रू बाय द प्रोसेस ऑफ फोटो सिंथेसिस सो ग्रीन प्लांट इज नोन एज ऑटोट्राप्स आर प्रोड्यूसर इसलिए हम ग्रीन प्लांट को ऑटोट्राप्स आर प्रोड्यूसर बोलते हैं ठीक है ना तो फोटो सिंथेसिस प्रोसेस क्या है एक बार हम इस पर अपना व्यू एक्सप्रेस करते हैं फोटो सिंथेसिस वाट इज फोटो सिंथेसिस द प्रोसेस बाई व्च ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल फोटोसिंथेसिस सिंथेसिस कर्क इज द प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट अपने फूड का प्रिपरेशन आर्गेनिक फूड मटेरियल कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स का प्रिपरेशन करता है यूजिंग किस चीज़ को यूज करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज करता है इसका और किसके प्रेजेंस में तो सन लाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में सन लाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके ठीक है आर्गेनिक फूड मटेरियल को प्रिपेयर करता है दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटो सिंथेसिस फोटो सिंथेसिस क्या है मेरे प्यारे बच्चों क्या है तो फोटो सिंथेसिस ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि ग्रीन प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर का यूज करता है इसके प्रेजेंस में सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ठीक है यूज करके और ऑर्गेनिक फूड मटेरियल का प्रिपरेशन करता है दैट प्रोसेस इज नोन है फोटो सिंथेसिस हम इसको यदि रिएक्शन के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं तो देखते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड सिक्स सी ओ टू प्लस ट्वेल्व एच टू सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये बन गया ऑर्गेनिक फूड मटेरियल कार्बोडेट सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स प्लस सिक्स ओ टू वा यहाँ पर ऑक्सीजन भी रिलीज होता है फोटो में और वाटर का भी फॉर्मेशन होता है तो फोटोसिंथेसिस में जो रिएक्शन होती है क्या भाई कार्बन डाइऑक्साइड सिक्स सीओ टू और ट्वेल्व एच टू ए का का यूज किया जाता है सनलाइट सूर्य का प्रकाश का यूज होगा और क्लोरोफिल ये क्लोरोफिल कहाँ होता है तो क्लोरोप्लास्ट में होता है जो कि ग्रीन प्लांट के लीफ में प्रेजेंट होता है तो ये फोर चीज़ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल इन चार चीज़ों का यूज करता है ग्रीन प्लांट और फार्म करता है फर्स्ट जो बनता आर्गेनिक फूड मटेरियल कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज सिक्स सिक्स एस ट्वेल्व ओ सिक्स प्लस सिक्स ओ टू ऑक्सीजन गैस भी फार्म होती है आर्गेनिक फूड मटेरियल भी फार्म होता है ऑक्सीजन गैस भी फार्म होती है और वाटर भी फार्म होता है तो फोटोसिंथेसिस में चार चीज़ का यूज किया जाता है फोर चीज़ का कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सनलाइट क्लोरोफिल और थ्री चीज़ बनते हैं मेन तो आपका ऑर्गेनिक फूड मटेरियल फॉर्म होता है सी सिक्स एस सिक्स ऑक्सीजन और वाटर अब इसमें कौन कौन से मेन प्रोसेस होती है कौन कौन से इवेंट्स होती है देखते हैं तो इम्पॉर्टेंट इवेंट इन द फोटो सिंथेसिस फोटो सिंथेसिस में जो इम्पॉर्टेंट इवेंट है यह है आपका फर्स्ट रहा है कि एब्जॉर्स ऑफ सोलर एनर्जी बाई क्लोरोफिल इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्लांट में ग्रीन प्लांट की लीफ में ठीक है ना सेल जो है उसमें क्लोरोफिल एक सबस्टांस होता है वो सन लाइट को सोलर एनर्जी को एब्जॉर्व करता है तो फर्स्ट जो इवेंट है इसमें तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया जाता है एब्जार्स ऑफ सोलर एनर्जी बाई द क्लोरोफिल जो ग्रीन प्लांट के लीफ के क्लोरोप्लास्ट में एक होता है आपका सब्ष्टांश जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल तो ये क्लोरोफिल सोलर एनर्जी को एब्जार्व करता है ठीक ना क्या करता है भाई तो फोटोसिंथेसिस में ये पहला इवेंट क्या है कि प्लांट के लीफ में जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें एक मटेरियल होता है क्लोरोफिल वो सोलर एनर्जी को क्या करता है एब्जर्व करता है दूसरा कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी और यह सन से आने वाली सोलर एनर्जी को लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है किस प्रोसेस के थ्रू तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी सन से आने वाली जो सोलर एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी मतलब कि फूड मटेरियल में कन्वर्ट किया जाता है एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मालिकुल्स इन टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन और इसमें वाटर मालिकुल्स को तोड़ दिया जाता है किसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ठीक है ना रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट और कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट अपटेंट किया जाता है तो जो मेन इवेंट्स होती हैं फोटोसिंथेसिस में क्या होती हैं भाई तो फर्स्ट तो सोलर एनर्जी को क्लोरोफिल के द्वारा एब्जर्व किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए तो फर्स्ट क्या है भाई तो सोलर एनर्जी को क्लोरोफिल के द्वारा एब्जर्व किया जाता है दूसरा क्या है तो इस सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और वाटर मालिकुल्स को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक किया जाता है और इसमें मेन होता है जो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ग्रीन प्लांट अपने टेक करता है उसको रिड्यूस करके और कार्बोहाइड्रेट आर्गेनिक फूड मटेरियल का प्रिपरेशन किया जाता है तो ये जो है कि आपका फर्स्ट पार्ट न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन का है इसमें कि कुछ आपके मेन पॉइंट्स को एक्सप्रेस किया गया है और जो कि जो डिटेल्स आपको फोटोसिंथेसिस है उसमें रिक्वायर्ड मटेरियल क्या है उसका मेकेनिज्म क्या है इसका स्टडी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ठीक ना जो कि मैकेनिज्म विस्तार से फोटोसिंथेसिस कैसे प्रोसेस होती है इसका स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को स्टडी कीजिए और इसके मेकेनिज्म को स्टडी करने के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे जो कि अगले क्लास में मिलेगा तब तक के लिए Thanks.